फ्रेंड्स, आई एम रोहित खेरा। आज हम बात करेंगे आईटी ऑफिसर के सिलेबस के बारे में। तो देखते हैं आईटी ऑफिसर का क्या क्या सिलेबस है, किस किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मेन सब्जेक्ट है वो है डीबीएमएस। डीबीएमएस से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। आप डीबीएमएस के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे वो भी देख लेते हैं। डीबीएमएस के अंदर आएगा आरडीबीएमएस, नॉर्मलाइजेशन, और एसक्यूएल के बारे में, एसक्यूएल क्वेरी उसके बारे में, ईआर डायग्राम और ट्रांसैक्शन मैनेजमेंट। तो ये डीबीएमएस के अंदर लगभग इतने टॉपिक पढ़ने हैं जिससे अभी तक क्वेश्चन देखे गए हैं इन टॉपिक के अंदर से। तो ये डीबीएमएस के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड सब्जेक्ट हम देखेंगे वो है डेटा कम्युनिकेशन है। इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें नेटवर्क आर्किटेक्ट पढ़ेंगे, ओएसआई मॉडल पढ़ेंगे, टीसीपी आईपी मॉडल पढ़ेंगे, डेटा कम्युनिकेशन। जैसे डेटा कम्युनिकेशन के अंदर जैसे बस स्ट्रक्चर और ये स्टार मेथोलॉजी ये सब पढ़ेंगे, और आईपी एड्रेसिंग पढ़ेंगे। तो इससे क्वेश्चन भी काफ़ी 10 से 15 क्वेश्चन के बीच पूछा गया है। तो ये दो टॉपिक अगर आप कर लेते हैं तो 60-70% क्वेश्चन इसी से आते हैं। 50 क्वेश्चन आएंगे तो जाहिर सी बात है 25-30 क्वेश्चन इसी से पूछे गए हैं। तो ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं, इनको अगर आपने पढ़ लिया तो आईटी ऑफिसर में आपके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इस बार जो मेंस में कर दिया है, बाकी जो सेक्शन है इंग्लिश रीजनिंग और एप्टी, तो ये केवल क्वालिफाई कर दिया है, इसके मेरिट में मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, केवल प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स के ही मार्क्स पे बेस पे आपको इंटरव्यू पे कॉल किया जाएगा, और इंटरव्यू प्लस प्रोफेशनल नॉलेज में जितने मार्क्स होंगे उससे फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। तो ये दो सब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद बाकी के सब्जेक्ट भी देख लेते हैं क्या हैं। इसके बाद जो सब्जेक्ट है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम प्रोसेस, थ्रेड, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, थ्रेड हो गया, सेमाफोर, डेडलॉक, ये हैं, इन टॉपिक से क्वेश्चन देखे गए हैं तो हम ये पढ़ेंगे। फोर्थ सब्जेक्ट है सीएसओ और माइक्रो प्रोसेसर। तो इसमें बस स्ट्रक्चर पूछा गया था, बस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फिफ्थ है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर साइबर क्राइम पे क्या क्या है, रूल्स रेगुलेशन क्या हैं गवर्नमेंट के, ओके, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है आरएम, फायरवॉल पे और क्रिप्टोग्राफी। तो ये टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं तो ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट देख लेते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो होता है वो, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल, ये दो टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं तो ये पढ़ेंगे। सेवन्थ है डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर में एरे, लिंक लिस्ट और स्टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। एट सब्जेक्ट है वेब टेक्नोलॉजी। वेब टेक्नोलॉजी में HTML टैग्स का बेसिक जो होता है वो पढ़ेंगे, XML के बारे में पढ़ेंगे, और नेटवर्क सिक्योरिटी जो इसके अंदर थोड़े से टॉपिक हैं वो पढ़ेंगे। लास्ट जो टॉपिक है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें C, C++ जो बेसिक होती है बिल्कुल उसका बेसिक। तो बेसिक में C, C++ आ जाएगा और ऊप्स आ जाएगा। तो ये दो टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं तो ये पढ़ेंगे। तो ये जो था
आईटी ऑफिसर का सिलेबस था. ओके फ्रेंड्स, और रीजनिंग, एप्टी और इंग्लिश जो रहेगी वो पीओ लेवल की रहती है. ओके, तो काफ़ी टफ रहता है. पीओ का आपने एग्ज़ाम दिया ही होगा तो उसमें आप देख सकते हैं. और इसके लिए भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा एप्टी रीजनिंग सेक्शन के लिए. और भी मेरे वीडियोस हैं तो उनको देख के आप इनको तैयार कर सकते हैं. तो ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को.